हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट का वर्क क्या होता है, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, ठीक। और सर्कुलेशन, ब्लड जो हार्ट है उसका सर्कुलेशन कैसे होता है पूरी बॉडी में ब्लड का। ओके दोस्तों, आज हम लोग ये पढ़ेंगे। तो हार्ट हमारे थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच मीडिया स्टर्नम के पास ठीक डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके दोस्तों, अभी मैं समझाता हूँ और अच्छे तरीके से। हार्ट हमारा जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है। सबसे पहला पॉइंट ये है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स जहां से ब्लड प्रवाह होता है, मतलब ब्लड का सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट मीन्स प्रवाह होना, ब्लड का प्रवाह होना, इसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ओके दोस्तों, ब्लड हार्ट हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन होता है। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक। हार्ट का वेट जो होता है मेल में 275 से 310 ग्राम होता है मेल में, और फीमेल में 210 से 250 ग्राम होता है फीमेल में। ओके दोस्तों, हार्ट हमारे थोरेसिक कैविटी ये होती है। थोरेसिक कैविटी मतलब जिसमें लंग्स आता है, इसोफेगस होता है, इसोफेगस से लेकर लंग्स तक थोरेसिक कैविटी होती है, ठीक। और डायफ्राम यहाँ होता है नीचे साइड, ठीक। और लंग्स ये होता है, ठीक। और मीडिया स्टर्नम लंग्स के ठीक नीचे होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो हार्ट हमारे थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच ठीक मीडिया स्टर्नम के पास डायफ्राम के ठीक ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। हार्ट हमारे थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच मीडिया स्टर्नम के पास ठीक डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होता है। हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुका रहता है, इसीलिए सभी लोग कहते हैं हार्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है लेकिन दोस्तों, क्योंकि हार्ट हमारे बीच में प्रेजेंट होता है, मिड में एकदम लंग्स के बीच में, वो थोड़ा झुका रहता है लेफ्ट साइड में। ओके दोस्तों, समझ में आ गई। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे जैसा कि मैंने बताया आपको हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक। हार्ट में ब्लड वेसल्स होती है जिनके द्वारा हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। ब्लड वेसल्स यानी ब्लड मीन्स रक्त यानी खून, ओके। और वेसल्स मीन्स वहीनियां मतलब एक पाइप की, एक सिंपल लैंग्वेज में पाइप होता है, पाइप में जैसे पानी सर्कुलेट होता है, पानी बहता है, वैसे एक मोटी सी वहीनियां होती है, ज्यादा मोटी भी नहीं होती। ओके दोस्तों, ठीक। हार्ट में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जिनके द्वारा हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। हार्ट हमारा कौन सा साइज का होता है? हार्ट हमारे एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब दूसरे टॉपिक में आते हैं, हार्ट का एक फिजियोलॉजी समझते हैं, जो मेन इसका वर्क है ये समझते हैं कैसे वर्क होता है। ओके दोस्तों, फिजियोलॉजी समझने से पहले हार्ट की तीन लेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। हार्ट की परत क्या होती है, लेयर मीन्स परत, हार्ट में कितनी परत पाई जाती है। ओके दोस्तों, हार्ट में तीन परत पाई जाती है जो कि बहुत ही सिंपल है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। कौन सी? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। परत मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे हार्ट का उसमें कौन सी लेयर पाई जाती है। ओके दोस्तों, पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरी इंडो मायो। ओके दोस्तों, पेरी मायो इंडो, तो कार्डियम लगा दीजिए, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। ओके दोस्तों, अब जानते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। अब बात आती है फिजियोलॉजी की, ठीक। फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, हार्ट कैसे सर्कुलेट करता है ब्लड का, मतलब जो हार्ट होता है वो पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेट कैसे करता है, ये इसकी बात आती है। तो आइए जानते, तो पहले इसके पढ़ने से, फिजियोलॉजी जानने से पहले इसके डायग्राम के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। आइए समझते हैं। ये हमारा एक लंग्स है, लंग्स, और इसमें जो गोल गोल है वो उसको एल्वोलाई बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हार्ट का जो हार्ट होता है उसके चैम्बर मीन्स कमरे, हार्ट के अंदर भी एक कमरे होते हैं, जैसे आपका बड़ा एक घर है उसके अंदर जो कमरे होते हैं डाइवर्ट होता है, उसमें डिवाइडेड पार्ट होता है, वैसे ही हार्ट का जो चार चैम्बर होते हैं, फोर चैम्बर। ओके दोस्तों, फोर चैम्बर मत मीन्स फोर कमरे होते हैं, चार कमरे होते हैं। तो पहला कमरे का नाम हमने रखा आर ए, आर ए मीन्स राइट आर्ट्रियम। ओके दोस्तों, दूसरा कमरा आर वी, राइट वेंट्रिकुलर, और तीसरा एल ए, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ओके दोस्तों, चौथा कमरा लेफ्ट वेंट्रिकुलर। तो जो
ये ऊपर है एक सर्कल टाइप में, इसको बोलते हैं एसेनोड। ओके, इसको सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, राइट आरटीएम और राइट वेंटिकुलर के मिड में एक वॉल्व पाया जाता है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूँ उसके बारे में कि ये कैसे वर्क करता है वो समझाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है समझिए। ठीक, पल्मोर ये लेफ्ट वेंटिकुलर जो होता है, लेफ्ट वेंटिकुलर और ठीक एरोटा के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है जिसे एवी नोड कहते हैं। यहाँ पर एसे नोड होता है, यहाँ एवी नोड होता है। ओके दोस्तों, अब आती है बात पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी वेंटिकुलर वॉल्व, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी वेंटिकुलर वॉल्व इसकी बात आती है। तो पल्मोनरी वेंटिकुलर वॉल्व कहां पर जाता है, पल्मोनरी वेन और लेफ्ट आर्ट्रियम के बीच में पल्मोनरी वेंटिकुलर वॉल्व पाया जाता है। ओके, तो और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंटिकुलर के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं मित्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर पाया जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो और ये जो मोटी पाइप जैसी आपकी जा रही है इसे बोलते हैं, इसे पल्मोनरी आर्टरी वॉल कहते हैं। इसमें CO2 मिक्स्ड ब्लड पाया जाता है जिसमें डी ऑक्सीजनेटेड मतलब अशुद्ध खून, अशुद्ध मीन्स गंदा खून। ओके दोस्तों, डी ऑक्सीजनेटेड CO2 मिक्स्ड ब्लड। ओके, अब ये ऊपर वाली जो है पाइप जैसी जो जा रही है आपकी उसे बोलते हैं पल्मोनरी वेन, पाइप मीन्स वेन, आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ। ठीक, इसमें ऑक्सीजन मिक्स्ड ब्लड पाया जाता है मतलब शुद्ध खून। ओके दोस्तों, साफ सुथरा खून। अब आते हैं फिजियोलॉजी एक अच्छे तरीके से जानते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक, तो जो हमारा वेना कावा होता है, जो पूरी हमारी पूरी बॉडी का ब्लड, जितने भी पूरी बॉडी में जैसे अशुद्ध खून है, वो पूरी बॉडी में अशुद्ध खून है वो पूरा लेके वेना कावा में आएगा। वेना हमारी पूरी बॉडी का जो ब्लड होता है वो वेना कावा में आता है सबसे पहले। वेना कावा क्या होता है आपको बताया मैंने, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। सबसे पहले जो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा होगा वो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के पास आएगा। ठीक, जो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। ठीक, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। ठीक, और सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा जो होती है वो कनेक्ट होती है, हमने सो लिखा है कनेक्ट होते हुए, लेकिन कनेक्ट होती है। ये समझ गए बात, आपको समझ में आ गई। जो हमारी पूरी बॉडी का ब्लड आया सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा में पहुंचता है, सुपीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा और राइट आर्टियम के बीच में एक ऐसे नोड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ऐसे नोड, मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसे नोड पाया जाता है। जो हमारे जो ब्लड होता है वो तेजी से सर्कुलेट होता है एकदम प्रेशर के साथ। ओके, तो जैसे प्रेशर पड़ने के कारण ये ऐसे नोड लब 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 ये साउंड होती है हार्ट की, जैसे बीट होती है ना ढप ढप ढप, ये ढप ढप नहीं होती है, लब डब होती है बीट। ओके, तो प्रेशर पड़ने के कारण ये नोड खुल जाता है, ऐसे नोड खुल जाता है तो सारा ब्लड भर 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 करके राइट आर्ट्रियम में पहुंच जाता है। जैसे पानी आप गाड़ियां धोते हैं तो आवाजें आती है पानी की, ठीक वैसे ही पूरा ब्लड राइट आर्ट्रियम में भर जाता है। ओके दोस्तों, तो जैसे ये राइट आर्ट्रियम में भर जाएगा सारा ब्लड, वैसे ये नोड फिर से वापस से बंद हो जाएगा। बंद करने में डब की साउंड सुनाई देगी, जो बीट की आवाज सुनाई देती है उसी को डब कहते हैं, लब डब। ओके दोस्तों, राइट आर्टियम में पूरा ब्लड भर गया, इकट्ठा हो गया, फिर राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकुलर के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है जिसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। जैसे ही पूरा ब्लड भर जाता है राइट आर्टियम में, फिर से प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है तो कौन सी साउंड सुनाई देती, लब, एक धीमे से सुनाई देती लब। जैसे प्रेशर पड़ने पर ये वॉल्व खुल जाता है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। वॉल्व खुला तो सारा ब्लड राइट वेंट्रिकुलर में पहुंच गया। ओके दोस्तों, वॉल्व खुलते ही सारा ब्लड राइट वेंट्रिकुलर में पहुंच गया और वॉल्व बंद हो गया फिर इससे। ओके दोस्तों, वॉल्व बंद होते ही राइट वेंट्रिकुलर में ब्लड सारा पहुंच गया, फिर राइट वेंट्रिकुलर से पूरा जो ब्लड है वो एक पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व, जो पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व से, यहाँ पर ये पल्मोनरी वेन है लिखना दोस्तों भूलिए, ये पल्मोनरी वेन है। ओके दोस्तों, तो राइट वेंट्रिकुलर और पल्मोनरी वेन के बीच में एक पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व पाया जाता है। ठीक, जैसे राइट वेंट्रिकुलर और जैसे राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकुलर के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व के पाया जाता है, उसमें जब प्रेशर पड़ता है ठीक तभी राइट वेंट्रिकुलर में ब्लड सारा आ जाता है। ठीक वैसे ही प्रेशर राइट आर्टरी वॉल्व में पड़ेगा तो ये वॉल्व वाला खुलेगा, राइट पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व खुलेगा। ठीक, पूरा प्रेशर पड़ने के साथ पूरा ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू
पूरा लंग्स में चला जाएगा, ठीक, कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, जिससे CO2 ये पूरा अशुद्ध खून था, CO2 ब्लड पूरा लिखा भी है, CO2 मिस ब्लड, पूरा ब्लड लंग्स में पहुंच जाएगा। अब लंग्स में जाने का क्या कारण, लंग्स हमारे लंग्स के पास होती है ऑक्सीजन, हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, आपको सभी को पता होगा ऑक्सीजन ओ2 मिक्स्ड ब्लड होता है, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं तो सारा ऑक्सीजन CO2 मिक्स ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स के पास पहुंच गया, उसे ऑक्सीजन लेने लंग्स के पास क्यों गया, ऑक्सीजन लेने के लिए गया। ओके दोस्तों, इतनी बात क्लियर हो गई, ऑक्सीजन लेने के पास गया, जो ऑक्सीजन कैसे लेगा लंग्स, लंग्स क्यों देगा ऑक्सीजन और कैसे देगा, लंग इसलिए देगा ऑक्सीजन क्योंकि जब ऑक्सीजन लंग्स देगा तभी पूरी बॉडी में हम लोग का ब्लड ऑक्सीजन जाएगा, तभी हम लोग जीवित रह पाएंगे, तभी हम लोग जी पाएंगे। ओके दोस्तों, तो लंग्स में जैसे ही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, उसके जो लंग्स की एल्वोलाई होती है, जो यूनिट होती है लंग्स की, एल्वोलाई एक छन्नी छन्नी होती है, वैसे ही होती है एल्वोलाई, ठीक, एल्वोलाई के पास जैसे पहुंचा ब्लड, तो एल्वोलाई ने सारा कार्बन डाइऑक्साइड सारा कचरा इकट्ठा कर लिया अपने पास, ठीक, इकट्ठा कर लिया और सारा जो छान के अच्छा ब्लड ऑक्सीजन ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट आर्टियम में पहुंचा देता है। कैसे पहुंचाता है ये जानते, जो ऑक्सीजन मिस्ड ब्लड आया था वो पल्मोनरी वेन में था, पल्मोनरी वेन और राइट आर्टियम के बीच में एक पल्मोनरी वेंटिकुलर वॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पल्मोनरी वेंटिकुलर वॉल पाया जाता है। तो जैसे सेम प्रेशर जैसे इसमें पड़ा था, वैसे ही सेम प्रेशर दाब सेम प्रेशर पड़ने के कारण ये पल्मोनरी वेंटिकुलर वॉल खुलेगा और सारा ब्लड इकट्ठा लेफ्ट आर्टियम में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक, लेफ्ट आर्टियम में इकट्ठा हो जाएगा। तो लेफ्ट आर्टियम में इकट्ठा हो जाएगा ब्लड, उसके बाद लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंटिकुलर के बीच में एक वॉल पाई जाती है जिसे मित्रल वॉल या बाइकस्पिड वॉल कहते हैं, ठीक, सेम प्रेशर पड़ने के कारण ये वॉल खुल जाएगा और सारा ब्लड हमारा लेफ्ट वेंटिकुलर में पहुंच जाएगा। ठीक दोस्तों, लेफ्ट वेंटिकुलर में सारा ब्लड पहुंच गया और लेफ्ट वेंटिकुलर और एरोटा के बीच में एक वॉल पाई जा एक नोड पाया जाता है, वॉल नहीं दोस्तों, एक नोड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एवी नोड, ठीक। तो सेम प्रेशर पड़ेगा, सेम दाब पड़ेगा, अचानक से प्रेशर जो पड़ेगा वो सेम प्रेशर पड़ेगा, लेफ्ट वेंटिकुलर में सारा जो ब्लड है वो प्रेशर पड़ने के कारण सारा ब्लड एरोटा में पहुंच जाता है, ठीक, कहां पहुंच जाता है, एरोटा के में पहुंच जाता है। एरोटा में पहुंचने के बाद एवी जो नोड होता है वो फिर से बंद हो जाएगा, नोड बंद होने के कारण नोड जो बंद हो जाएगा उसके बाद एरोटा में ब्लड पहुंच गया। तो एरोटा के भी दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर वाला जिसे बोलते हैं असेंडिंग एरोटा और नीचे वाला एक बोलते हैं जिसे बोलते हैं डिसेंडिंग एरोटा, ठीक है। असेंडिंग एरोटा का वर्क होता है जो हमारे बॉडी के अपर पार्ट जो अपर पार्ट होता है उसे प्रेशर के साथ पूरे अपर पार्ट में ब्लड सप्लाई करने का वर्क करता है, और डिसेंडिंग एरोटा जो हमारे नीचे वाला पार्ट बॉडी के नीचे वाले पार्ट होता है जैसे लेग हो गए, इसमें ब्लड सर्कुलेट करने का वर्क होता है। और ये जो फिजियोलॉजी जो है पूरा, ये पूरा वर्क कितने सेकंड में करता है, ये पूरे बहुत ही कम सेकंड में करता है, पूरा ये वर्क करता है 0.08 सेकंड में ये पूरा वर्क करता है, मात्र 0.08 सेकंड में ये पूरा वर्क करता है। और ह्यूमन बॉडी में हमारे 6 से 7 लीटर ब्लड पाया जाता है। ओके दोस्तों, आज मैंने आपको फिजियोलॉजी पढ़ाई, उसके बारे में कैसे ये वर्क करता है ये समझाया आपको, हार्ट कहाँ से जरूरत है ये पढ़ाया, मैं आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं और तरीके से और अच्छे तरीके से एक बार फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ हार्ट दूसरे डायग्राम, आपको दूसरा डायग्राम भी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ओके दोस्तों, इस माध्यम से भी आपको मैंने समझाया। ओके